तो गाइस आपकी हैवी डिमांड पर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ मॉड्यूल्स के ऊपर। मैंने फिजिक्स वाला यानी कि PW से मॉड्यूल मंगाए थे ओनली ऑन हिंदी मीडियम के, ठीक है। तो वो दिखाऊंगा वो किस तरह के हैं, कैसे मॉड्यूल हैं, ठीक है। आपको सारी डिटेल दूंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए, ठीक है। ठीक है गाइस, तो देख सकते हो पहले मैं यहीं दिखा देता हूँ। देखो ये जो हरी हरी किताबें हैं, 1, 2, 3 और 7 ये हैं, तो 10 किताबें हैं बायो की। और ये जो है ये वाली, ये केमिस्ट्री की है, और ये 2 केमिस्ट्री की है नहीं, और ये बाकी फिजिक्स की है, ठीक है। तब इन्हें दिखाता हूँ मैं, तो देखिए पहले तो मैं एक एक करके दिखा देता हूँ। देखिए गाइस ये देखिए, यकीन फोर नीट जी विज्ञान ड्रॉपर ड्रॉपर हेतु के लिए, तो इस तरीके से है कुछ। देखो देखिए, देखो ये मानव शरीर विज्ञान ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली इकाई है बायो की, जिसमें 7 चैप्टर हैं। पाचन एवं अवशोषण अब कट गया है, कट तो नहीं है, पढ़ना तो है लेकिन लास्ट में पढ़ना है, ठीक है। तो ये है अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी की है, ये है। तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, तो 23 किताबें हैं, मॉड्यूल 23 हैं। तो मैं एक जगह करके दिखा लेता हूँ आपको, वो ना हो तो। देखो देखो ये है, ये फिजिक्स की है, ये किसकी? तो ये देखिए गाइस, ये है मॉड्यूल अपनी, ये बायो के हैं मॉड्यूल, और ये हैं अपने केमिस्ट्री के। चलो खड़े होकर दिखाते हैं। तो इतने सारे मॉड्यूल हैं 23 टोटली। कितने मॉड्यूल हैं भैया? 23 मॉड्यूल हैं अपने। तो बता दूं मैं आपको, ये फिजिक्स के हैं, ये केमिस्ट्री के हैं। अब एक एक करके दिखाता हूँ मैं। देखो आपको ये पता लग जाएगी, यहाँ पे यकीन फोन नीट रसायन विज्ञान ड्रॉपर हेतु सामग्री, ये भाग 2 है, ठीक है ना। देखो ये भाग 1 है, ये भाग 4 है। तो भाग 2 को हम यहाँ रखते हैं, भाग 1 को यहाँ रखते हैं, भाग 4 को निकालते हैं। और ये देखो भाग क्या, वहाँ ये भाग है तीसरा, भाग तीसरा है। सॉरी गाइस अभी रुक जाइए, अब देखिए, ठीक है। ये भाग देखो कैमरा है, ये भाग है 5, भाग 5 है, ये भाग है 6, ये भाग कैमरा है, ये भाग है 7। तो ये भाग 1, 2, 3 भाग 4 की ये रही, देखो भाग 4 ये रही है, ये इसके नीचे आएगा भाग 5, 6। सही है गाइस, एक मिनट रुक जाओ गाइस, एक मिनट सही कर लूँगा। अब देखिएगा ये बन चुकी है पूरी, अब दिखाता हूँ। देख देखो भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7, तो 7 किताबें हैं अपनी केमिस्ट्री की, सही है। अब इनकी डिटेल करके भी दिखाऊंगा मैं, वीडियो होगी 15-20 मिनट की, मैं पहले बता रहा हूँ 15-20 मिनट की वीडियो होगी, जी हाँ। तो 7 किताबें, तो 7 मॉड्यूल तो अपनी केमिस्ट्री के हैं, बायो के देख लेते हैं, बायो के ये होंगे। देखो यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको, लाइट जला दीजिए, लाइट जला लेते हैं और भी खूबसूरत लगेगा अब आपको। देखो ये हैं बायो के, ये देखो ये बायो की हैं,
बायो के मॉड्यूल है। आपके बहुत क्वेश्चन होंगे तो इन्हें इकट्ठा कर लेती है। नहीं अपन देखो ये भाग पाँच है ना, भाग पाँच को रखते हैं अपन यहाँ पर। ये भाग तीन है, भाग एक, तो भाग एक, भाग दो, भाग तीन, तो ये जाएगा इसके नीचे, इसके नीचे जाएगा भाग चार, भाग पाँच। ये तो हो गई अपने अलेवेंथ की, तो पाँच इकाई जो है वो अलेवेंथ में है, पाँच इकाई अपने ट्वेल्थ में है, पाँच इकाई अलेवेंथ में है, पाँच इकाई ट्वेल्थ में है। तो मैं इस तरीके से अरेंज कर रहा हूँ, देखो भाग छः, भाग सात, भाग आठ, भाग भाग नौ और भाग दस। और भाग नौ तो काफ़ी पतला है क्योंकि ये बायोटेक का है ना, क्लास 12 का। देखो गाइस कितना पतला है, आप भी कहोगे भाई क्या बात है भाई क्या बात है, देखो कितना छोटा भाग है, कितनी छोटी किताब है ये, देखो इतनी छोटी है भाई। बायोटेक की है ना ये, बायोटेक्नोलॉजी की, जैव प्रौद्योगिकी की, ठीक है नहीं। तो ये दो ही चैप्टर है ना इसके अंदर का छोटे छोटे, इसलिए बायोटेक की छोटी है। ठीक है भैया, लो भैया इसको करते हैं अपनी छुट्टी। चलो एक मिनट रुक जाओ, अब देखिए, अब देखिएगा। तो पांच इकाई जो है अपनी ग्यारहवें में है, पांच इकाई है बारहवें में। तो अपन ग्यारह पहले पढ़ते हैं तो इन्हें रखते हैं पहले, और पांच इकाई बारहवें में है। टोटली किताबें हैं आपकी दस, दस मॉड्यूल हैं बायो के। दिखा देते हैं, देखो भाग एक, भाग दो, भाग तीन, अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिखाई देगा। देखो भाग एक, भाग दो, भाग तीन, भाग चार, भाग पाँच, भाग छः, भाग सात, भाग आठ, भाग नौ और भाग दस। तो टोटली दस किताबें हैं अपनी बायो में। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स की, सही है। देखो ये फिजिक्स की है, तो फिजिक्स का भाग वन है ये, भाग वन, भाग टू, भाग वन, भाग टू, और ये भाग तीन, भाग चार, और ये भाग पाँच, और ये अपना भाग छः। तो भाग एक, भाग दो, भाग तीन, भाग चार, भाग पाँच, भाग छः, टोटली छः किताबें हैं। ये देखो इस तरीके से है ना, तो एक मिनट रुको, ही नहीं ये देखो। अब देखो इस तरीके से मैंने अरेंज किए हैं, सबसे नीचे केमिस्ट्री की, फिर बायो की, फिर फिजिक्स की। अब करेंगे इनके डिटेल, और अब मैं इनकी बिल्कुल बारीकी से दिखाऊंगा। पहले अपन फिजिक्स की बात कर लेते हैं, सही है। देखो सबसे पहले देखो यकीन फोन नीट रस बहुत ही विज्ञान ट्रोपर हेतु अध्ययन सामग्री। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ भैया, आपको पता ही है, भाग वन भाषा ऐसी है मेरी। देखो अंदर से कुछ ऐसा है, ठीक है, बहुत बहुत ही ना आपको। देखो PW का लोगो है ब्रांड जी, देखो इस तरीके से है, आपको कुछ इस तरीके से अपने थ्योरी मिलेगी, इस तरीके से थ्योरी मिलेगी आपको। ये देखिए देखो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन इस तरीके से हैं, देखिएगा क्वेश्चन इस तरीके से हैं, और इनके आंसर आपको इस तरीके से मिलेंगे, डिटेल में नहीं मिलेंगे, इस तरीके से मिलेंगे। तो ये वाली है, ठीक है, और दिखा देते हैं आपको अच्छी तरीके से, सही है। देखिएगा इस तरीके से क्वेश्चन है भाई, मैं आपको बता दूं आपके लिए। जैसे अपनी सरल रेखा में गति है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है,
तो इसके तो आपको एग्जांपल मिलेंगे, पहला थ्योरी, थ्योरी के में हर एक एग्जांपल मिलेगा, एग्जांपल के बाद एक्सरसाइज जो मिलेंगी वो तीन एक्सरसाइज मिलेंगी, कितनी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मिलेंगी आपको तीन। देखो एक्सरसाइज वन और एक्सरसाइज टू, एक्सरसाइज थ्री। एक्सरसाइज थ्री में आपको ये मिलेगा, देखो नीट AIPMT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे आपको करने के लिए, ठीक है भैया। जैसे समतल में गति इसी तरीके से है, इसी तरीके से। और देखो अपने पीछे से दिखा देते हैं अपन, देखो ये कुछ विद्यापीठ के बारे में बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे विद्यापीठ है। उत्तर प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में, हरियाणा में है, ठीक है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, कर्नाटका, असम, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो अपने हर एक इंडिया के हर एक राज्य में, हर एक स्टेट में अपना इनका क्या है, विद्यापीठ खुला हुआ है, ठीक है। तो ये बात हो गई फिजिक्स की, बात किसकी हुई भाई, फिजिक्स की बात हो गई, केमिस्ट्री बायो की बात करते हैं। देखो जी बोई सिस्टम है, बोई है, भाग वन, भाग वन क्या पता ही है आपको, जीव जगत वाला इकाई है, जीव जगत वाली, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। तो भाई इसके जीव जगत में विविधता जो इकाई है, इसमें चार चैप्टर आते हैं, जीव जगत का वर्गीकरण, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, ये तो अपना जूलॉजी का है, प्राणी जगत, ठीक है नी, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सॉरी, ठीक है नी। अभी से खोल के दिखा दें, देखो भैया PW का लोगो, ब्रांड चीज, प्रस्तावना दी है, पढ़ सकते हो, मंगा लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3500-3700 रुपये में आपके घर आ जाएगा, उस पर तो सस्ता दिखाई देगा ना, 3025 या 3500 रुपये दिखा रहा होगा, तो आपके घर में 3300-3400 पक्का पड़ जाएगा घर तक आपके। देखो जी 3500 तक का भी आप मंगा लेते हो ना मॉड्यूल, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना, दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, मंगा सकते हो यार। मुझे पता भी है भाई, कुछ बंदे ये भी देख रहे होंगे, किसी के पास पैसे की कमी है यार, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा करूँगा जो आपके लिए मैं मुझे मॉड्यूल फ्री कर दूँ, क्योंकि ऐसी PDF बनाऊँगा इन सबकी आने वाले समय में। देखो सबसे बड़ी बात ये है, ये थ्योरी दी है पहले तो उस चैप्टर की, जैसे जीव जगत वाला पहला चैप्टर है उसकी थ्योरी है, और थ्योरी भी ना पढ़ रहे हैं आप तो यहाँ पर NCERT एक्सट्रैक्ट, NCERT के पॉइंट दिए गए, इसको पढ़ करके आप NCERT बेस्ड क्वेश्चन लगा सकते हो, और आपको एक्सरसाइज ही मिलेंगी, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है भैया, दूसरी एक्सरसाइज ये रही, और तीसरी एक्सरसाइज जो मिलेगी वो मिलेगी आपको NCERT एक्सट्रैक्ट, उसे पढ़ के आप इसके क्वेश्चन लगा सकते हो, कहने का मतलब ये है। अरे एक्सरसाइज चार ये है नीट वाली, नीट AIPMT वाले क्वेश्चन, ठीक है, वो चीज़, जैसे आप जीव जगत का वर्गीकरण आ गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पहले थ्योरी दी है, थ्योरी के बाद आपको NCERT एक्सट्रैक्ट मिलेगा, ये देखो NCERT एक्सट्रैक्ट के बाद NCERT है क्वेश्चन, एक्सरसाइज फर्स्ट दो और NCERT एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन, ये लगा सकते, फिर आपके नीट वाले क्वेश्चन। तो ये बात हो ली बायो की, पीछे से दिखाएं तो वही बात है, विद्यापीठ के बारे में बताया गया है, तो हमने बात कर ली है बायो की, सही है, लो जी लो। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में देख लो जी, वही चीज है, भाग वन है, PW का लोगो, ब्रांड चीज, देखो जी, देखो रसायन, देखो जी तीन किताबें जो दी है ना इसकी शुरू की स्टार्टिंग की, वो 11th क्लास की है और बाकी सब 12th की। देखो जी देखो लोगो है PW का, ये प्रस्तावना दी है, ठीक है, यहाँ पर कंटेंट्स दिया गया है हर किसी बुक में, सही है।
जी भाई साहब, जी 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 ठीक है ना। तो मेरा मॉड्यूल ये 5-6 दिन में आ गया था, मैं भी बहुत दिक्कत में रहा था भाई, कब आएगा। इस वजह से तो पढ़ाई नहीं हो रही है। देखो मैं आपको बता दूँ, अब जो रिसेंटली मैं वीडियो जो बना रहा हूँ ना मैं, तो उससे 3 महीने पहले या 2 महीने पहले कोर्स लॉन्च हुआ था हिंदी वीडियो, यकीन हिंदी 1.2। लेकिन अब जो हो रहा है, मतलब जिसने पहले से ही परचेज कर रखा है तो उसके साथ उसे यकीन हिंदी 2.0 फ्री मिल रहा है। तो भाई उससे आप पढ़ाई कर सकते हो, जिसका बैकलॉग बहुत सारा हो गया है, जो अब शुरू से ही पढ़ना चाहता है। तो भाई मैं भी उसी कैटेगरी का हूँ। तो मेरा तो बहुत बैकलॉग है और मैं मॉड्यूल की वजह से पढ़ नहीं पाया था भाई। मॉड्यूल आएगा कब मैं पढ़ूँगा, है ना। मैंने लेट भी कोर्स परचेज करा था पैसे की कमी से, लेकिन भाई जैसे तैसे मैंने मॉड्यूल मंगाया। लेकिन अब भैया 28 अगस्त आ रही है, वो लॉन्च हो रहा है, क्लास आएंगी और वहाँ से मैं पढ़ूँगा, तब कोर्सल लगाऊँगा मैं अब, ठीक है ना। ये देख सकते हो इसमें वो हिसाब है, एक्सरसाइज 1-2 AIPMT वाले क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज 2-3 और एक्सरसाइज 3-3, ठीक है ना। वही सिस्टम है भाई, मंगा लो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बात हो गई है हमारे मॉड्यूल की। देखो जी मैं बता रहा हूँ, पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी भी बुक के लिए परेशान मत हो, मॉड्यूल ले लो, मोर देन सफिशियंट है। और क्या लें, और भैया आप NCERT लें, NCERT माता, क्योंकि मास्टर साहब कहते हैं ना कि दो ही माता हैं, एक अपनी माता और एक दूसरी NCERT माता, उसके अलावा कौन है भाई हमारा, यही दो माता हैं। ये तो मैंने 3 ये कॉपियाँ ली थी शॉर्ट नोट्स के लिए, मास्टर बता रहे थे ना शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है, तो 3 ले ली थी मैंने, ये 3 शॉर्ट नोट्स के लिए ली थी। हम बात करते हैं NCERT की, सब दिखाऊंगा भाई आपको, सब दिखाऊंगा सब, है ना। ये देखो ये है भाई NCERT माता, ये क्या है NCERT माता, पुरानी है मेरे पास NCERT माता, जब मैं फर्स्ट ईयर 12th में था। ये नहीं, वीडियो तो लंबी हो नहीं है, लेकिन भाई आपके लिए ही तो है ये वीडियो, क्या दिक्कत है, दिखाऊँ तो सब कुछ। तो वो NCERT है, ये केमिस्ट्री का भाग बने, केमिस्ट्री का भी ये मतलब 12th की केमिस्ट्री का भाग बने, और ये 11th की का वो है भाग वन, है ना। ये 12th की का भाग 2 है और ये 11th की का भाग 2 है। ये लो जी, ये लो, अब हम दिखाते हैं बायो एरी 12th क्लास की, खोल के भी दिखा देते हैं जी। 10 इकाइयाँ पढ़नी है ना, 5 इकाई तो पढ़नी है इसमें, 6 से स्टार्ट है उसमें, 11th में अपना 12th से स्टार्ट है ना। तो देखो ये है नीट 2023 का पेपर, मैं देख आया था ना नीट 2023 का पेपर, तो देखो कहीं रख रखा हुआ मैंने। तो मेरा पेपर कोड था H6 और DTL फिल करनी थी यहाँ पर, नाम अनुक्रमांक परीक्षार्थी केंद्र, है ना। मेरा जो गया था IFTM यूनिवर्सिटी ब्लॉक डी, मैं अमरोहा जिले से बिलोंग करता हूँ पहली बात तो ये, ठीक है ना। UP में अमरोहा ज़िला है एक, वहाँ पे अमरोहा ज़िले में एक IFTM यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर गया था मेरा। तो भाई मैं देख आया था भाई, देखो फिजिक्स बहुत हार्ड थी अपनी, केमिस्ट्री भी हार्ड थी, थोड़ी बहुत बायोटी होती है भाई अपनी, ठीक है नी। तो इसलिए मेरे जो नंबर आए थे वो मेरे नंबर आए थे 720 में से, कितने में से, 720 में से आए थे मेरे 130 बोले तो 130 मार्क्स, कितने 130 मार्क्स आए थे 2023 में। लेकिन मुझे इतना पता लग गया था भाई, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है भाई, पढ़ेंगे तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भाई मेहनत चाहिए बहुत ही ज़्यादा तगड़ी मेहनत, ठीक है ना। तो करते रहेंगे तो भाई हो जाएगा भाई,
इतना हार्ड नहीं है पर, लेकिन यार जो पढ़ा हुआ ना हो वो तो अपने को हार्ड लगेगा ही, है ना। ये पेपर है देख लो भाई, नीट 2023 का पेपर दिया था, जितना जिसको ना पता हो वो देख लो, इस तरीके पेपर आता है, देख लो भाई सब दिखाऊंगा। ये 11th क्लास की है मेरी नोट्स, बहुत तकड़ा लिख कर रहा मैं लेख को, आप भी कहोगे क्या लेख है भाई आपका, देख सकते हो 11th क्लास की बायो का, देख लो भाई, देख लो देख लो, ये है। तो बात हो गई NCERT की, और ये फिजिक्स की NCERT है, फिजिक्स की NCERT रह गई, देख सकते हो भाई 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 भाई। 12th की NCERT नहीं है, फर्स्ट ईयर की है, क्योंकि फिजिक्स में तो NCERT को ही जरूरत ना है ना, ये तो नाम चार के लिए होती है भाई, ठीक है, नहीं नाम चार के लिए होती है ना ये, तो अपना ये हो गया ना फिजिक्स हो गई, बायो भी हो गई, 11th की बायो भी है मेरे पास, वो यहाँ पर रखी है दबी हुई है भाई, सब पिक्चर पिक्चर हो गया, शॉर्ट नोट से रही अले, अरे यहाँ दबी हुई है 11th क्लास की। अब दिखाता हूँ अपनी नोट्स, सबसे पहले बात जो बना रही हूँ ना, यकीन हिंदी 1.2 से जो मेरी नोट्स हैं वो हैं, देखो EW के साथ मॉड्यूल के साथ मेरी ये भी आई है, ऐसी कॉपी भी मैंने मंगाई थी, ओनली मेरे पास चार और लेडी हैं, वो स्लिप पे है, स्लिप पर रखी हैं ऊपर, वो मैंने भाई यहाँ पर पंखा लगा रखा, गर्मी ने लगा और ये पंखा तो चली गया है, और हमने भाई इन्वर्टर भी लगाया, ये देख सकते हो दिख ना रहा होगा लेकिन, और भाई दिखाऊंगा जरूर भाई आपको, दिखाऊंगा जरूर भाई, देख सकते हो ये है इन्वर्टर, इन्वर्टर लगाया भाई, बहुत जरूर गर्मी बहुत लगती है, पढ़ाई लगती है, टेंटियाँ करके मैंने वापस लगवाया जरूर। तो मैंने देखो ये आई है मेरा भाई फिजिक्स, तो यार आपके बैच में देखो भाई, देखो क्या होता है, जो स्टार्टिंग में होता है ना स्टार्टिंग के भी चैप्टर ना समझे ना भाई, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बेसिक होता है, बेसिक ना समझोगे तो यार जड़ तना पत्ती समझने का फायदा, जो जड़ी ना सही होगी तो सही है ना, तो जड़ बनानी पड़ेगी यार पहले, ठीक है। तो इसलिए मैं भाई यकीन हिंदी 2.2 से करूँगा, सब असली बात है, मेरी 28 अगस्त आज तो 21 तारीख है ना, 21 22 दिख गया, तो 28 तारीख से करूँगा, ये वाला हो गई। फिर भी देखो यकीन 1.2 मेरे नोट्स जो थे फिजिक्स में ऐसे कुछ थे, ऐसे कुछ थे मेरे नोट, ये थे फिजिक्स के भाई, कुछ समझ में आता यार, बेसिक समझ में आया ना, मैंने बनाए लिए है कि, और पहली बात तो मैं क्वेश्चन भी सोल्व ना कर रहा था, क्वेश्चन तो भाई जरूर सोल्व करने के लिए भाई फिजिक्स की। अब मैं यहाँ से ही स्टार्ट करूँगा आगे से, अब तो मैंने जो कर दिया यहाँ से स्टार्ट करूँगा, सबसे पहली बात भाई यहाँ से करूँगा स्टार्ट अपना, यहाँ से करूँगा, यहाँ से स्टार्ट बिल्कुल, यहाँ से बिल्कुल, जब करूँगा तैयारी ढाकड़ वाली। ये तो भाई फिजिक्स की नोट्स है, ये किस चीज़ की नोट्स है भाई, ये है मेरी बायो की, बायो में है बोटनी बोले तो वनस्पति विज्ञान, भाई देखो वनस्पति विज्ञान जंतु विज्ञान में तो कोई दिक्कत ना थी, वो तो बढ़िया चल रहा था, तो ये जीव जगत वर्गीकरण वाले चैप्टर से है, ओनली कोशिका वो अलग वाली इसमें है ना, कोशिका विभाजन वाला, तो मेरा पादप जगत चैप्टर चल रहा है, तो मैं बता दूँ मैं आपको, तो मेरी बोटनी जूलॉजी तो मेरा इससे चल रही थी, बढ़िया चल रही थी, बैकलॉग भी नहीं थे इसमें, मेरा बैकलॉग तो है लेकिन कर लूँगा मैं, इतना भरोसा है, इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, कर लूँगा बैकलॉग पूरा बोटनी जूलॉजी का, तो ठीक है। तो इस बैच में जो टीचर है ना बोटनी के और जूलॉजी के बहुत बढ़िया हैं, वो शानदार पढ़ाती हैं, उनसे तो मैं पढ़ूँगा यकीन 1.2 से जूलॉजी बोटनी पढ़ूँगा, लेकिन यकीन 1.2 वैकिन हिंदी 2.0 से मैं फिजिक्स केमिस्ट्री करूँगा, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मेरी ऑलरेडी हो ही पड़ी है ना, बोटनी और जूलॉजी तो बढ़िया चल रही थी, अच्छे नंबर आ रहे थे, 180 में से 90 इतने आधे आधे नंबर आ रहे थे, लेकिन क्योंकि दिक्कत मेरी भी थी ना, प्रैक्टिस नहीं करता था ना, इसलिए कम आ जाते थे भाई, तो ये बात है। तो ये अपनी बायो की है, जूलॉजी की कहाँ है, और केमिस्ट्री की कहाँ है, केमिस्ट्री की है भाई, ये पढ़ी थी, ये तो मैंने मंगवाई थी उसके संग,
जब मेरे मॉड्यूल वोड्यूल नहीं आए थे, जब मेरे पास मॉड्यूल वोड्यूल नहीं आए थे गाइस, मॉड्यूल वोड्यूल नहीं आए थे तो मैंने भाई कॉपी मंगाई, ये बनवाई थी कि भाई नीट की तैयारी कर रहे हैं, छोटी मोटी कॉपी से तो काम चलेगा नहीं, नहीं तो पहले तो इससे पतली पतली काम चला करते थे 12th 11th में, तो ये मंगाई थी, ये बनवाई थी मैंने, ये बनी थी भाई 200 रुपये में एक बनी थी, 200 रुपये में एक, इतना खर्चा करा था भाई मैंने, करते ही करना ही पड़ता ना क्या भाई वो तो। देखो ये केमिस्ट्री का था यकीन बन पॉइंट होगी नोट सही, तो अब तो मेरी प्रैक्टिस चलेगी ना, जो चैप्टर हुए पड़े ना उनके क्वेश्चन लगाऊंगा धड़ा धड़ा नहीं, वैसे ये फायदा होगी भाई से एक वैसे से। ये देखो ये मेरी नोट से रही इसकी, सही है तो केमिस्ट्री हुई, एक मिनट रुको भाई, अब दिखाता हूँ जूलॉजी, क्या दिखाते हैं भाई जूलॉजी। ये भैया हमारे घर में बकरे होते हैं साले, फाड़ दिए ये पंटा, फाड़ दिया जैसे ये था ना ऐसे ही फाड़ दिया, लाइट जला लेते हैं इसकी अब, ठीक है ना। तो ये है अपनी, मैं मतलब जब अपना बैच स्टार्ट ना हुआ था तो पहले से मैं बायो पढ़ रहा था, तंत्रिका नियंत्रण समन्वय वाला है ना ये वाला एकीकरण, तो मैंने एनसीईआरटी से नोट बनाए थे शुरू शुरू में ये, और जब मैंने बैच खरीद लिया था है ना, बैच खरीदने के बाद मॉड्यूल वोड्यूल आ गए थे, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट करी थी भी है ना यहाँ से। तो ये जूलॉजी की है मेरी, तो भाई मैंने बताई ना बोर्डनी जूलॉजी तो मेरी बढ़िया चल रही थी मस्त एकदम। तो अब आपको कितने चैप्टर तक करा दिया, देखो अब चैप्टर चल रहा है हमारा, देखो उन्होंने जो स्टार्ट करा था ना वो करा था अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी से, मानव शरीर विज्ञान, ठीक है ना। तो उसका जो चैप्टर चल रहा है अब तंत्रिके नियंत्रण एवं समन्वय वाला चल रहा है, तंत्रिके नियंत्रण एवं समन्वय वाला, जी हाँ यकीन 21 तारीख है ना आज, 21 22 दिख गया है 21 अगस्त, तो 21 अगस्त को चल रहा है भाई अपना तंत्रिके नियंत्रण एवं समन्वय, देख सकते हो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है नी। वीडियो तो लंबी होगी भाई, जिसे देखनी होगी वो देखेगा और जिसे नहीं देखनी होगी भाई वो ना देखेगा, क्या जा रहा है भाई आधे घंटे की वीडियो देखने में, बता तो सक रहा हूँ ना मैं जो जो है हिंदी मीडियम का, 130 नंबर आए थे मेरे, इंशाल्लाह मुसलमान ना हूँ यार हिंदू में, कभी सोचो ये डायलॉग है इंशाल्लाह आपके, देखते हैं कितने नंबर होंगे है ना, देखते हैं भाई मेहनत यार, अब मेहनत करनी है, हराम खोरी कर ली 3 महीने तो मैंने, ये गलती कर दी, नारी भाग गई अब, सही है। अब क्या रह गया, अब तो कुछ नहीं रहा, अब तो सब कंप्लीट है, नोट्स भी दिखा दी, मॉड्यूल भी दिखा दी, एनसीईआरटी भी दिखा दी, और अपना ये भी दिखा दिया, सब कुछ तो दिखा दिया, अब क्या देखना बाकी है, हाँ अब कुछ देखना बाकी ना है, सब टोटली हो गई, हो गई। तो कैसी लगी आपकी वीडियो, अब अगला कैमरा कर दूँ स्टार्ट। तो हमारे बहुत भाइयों के डाउट होंगे, देखो मेरा जो कैमरा ना वो यहाँ पे है, लेकिन मेरा ध्यान यहाँ पर जा रहा बीच में, तो मेरी आंखें जो है यहाँ पर दिखाई देंगी, तो मैं कैमरे की लपक नहीं देख सकता है ना, मैं यहाँ पर देखूँगा तो आप ये मत समझना आंखें टेढ़ी हैं क्या इसकी, टेढ़ी वेढ़ी ऐसा कुछ ना, देखो मैं यहाँ पर देखूँगा तो आपको सही दिख रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ देखूँगा तो मेरा जो है ना आंखें अलग जाएंगी, तब बात कर देंगे। तो बहुतों के डाउट होंगे ये मॉड्यूल कितने के मिले, तो भाई ये मॉड्यूल मिले हैं 3500 रुपये के, 3500 रुपये के मॉड्यूल हैं ये, कितने के 3500 के पड़ गए थे मुझे। तो अपनी नोट्स मैंने ये जो मंगाई थी, तो ये हैं भाई 270 रुपये की तीन, ये वाली कॉपी है ना, ये वाली दिखा दूँ सब बनाऊंगा यार, ये देखो ये जो कॉपी है ना ये वाली, तो ये है उस पर PW स्टोर पे 270 रुपये में तीन दिखाता, वो आपके घर तक 350 में पड़ेंगी, कितने में 350 में, यदि आप अलग से मंगाओगे मॉड्यूल के साथ मंगाओगे तो
तो कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, ये बात है। अब ये वाली नोट जो है मेरी, ये वाली, ये कितने में पड़ी थी, ये पड़ी थी 180 रुपये में, एक एक बनवाई थी 200 में कैमरे की। अब बहुत लोगों को डाउट होगा ये भाई एनसीईआरटी जो किताब है वो दिखाओ, ये कितने कितने रुपए की मिलती है, तो ये तो सरकार की किताब है, ये तो सस्ती सस्ती मिल जाती है, फिर भी भैया कितने रुपए की मिलती है, रेट देख लिया हूँ मैं, ऐसे मिल जाएगा ये 50-50 रुपये की, 50-50, 60-70 इतने रुपए की मिल जाती है ये। देखो देखो मिल गया, मिली मूल्य, ये मूल्य है अपना 44 रुपये, आपको उल्टा दिख रहा होगा, इसका मूल्य है 44 रुपये, ठीक है, तो इसका है ना मतलब 100 रुपये में पड़ जाएंगी दोनों फिजिक्स की, वैसे फिजिक्स की कोई लेने की जरूरत ना, एनसीईआरटी ये ले, बायो की तो लेनी है, बायो की माता तो लेनी है, ये बायो की माता कितने रुपये की मिली है, बायो की माता कितने की मिली है, बायो की माता दिखाता हूँ, तो बायो की माता का रेट कोई नहीं दे रखा, तो बायो की माता लगभग मेरे हिसाब से आपको पड़ जाएगी लगभग 70-80 रुपये में पड़ जाएगी 12th क्लास की, अरे मतलब 150 रुपये में दोनों पड़ जाएंगी, 150-200 में दोनों मिल जाएंगी, सही है 150-200 में, तो भाई एनसीईआरटी माता तो लेनी है बायो की, क्योंकि माता दो है अपनी, एक माता है अपनी, अरे एक एनसीईआरटी माता इसके अलावा है ही कौन अपना, है ना, कोई नहीं है, तो एनसीईआरटी माता तो लेनी पड़ेगी भाई, है ना, एनसीईआरटी माता तो बहुत ज़रूरी है भैया, आप केमिस्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री की भी दिखाओ ना, तो भाई पहला अपने बात करते हैं 12th क्लास की, देखो ये वाली देख रहा हूँ ना, ये वाली एनसीईआरटी, क्योंकि मैं तो अभी रिसेंटली मैं अभी लेकर आया हूँ, एक 3 महीने पहले हमारे, ठीक है, तो कितने की पड़ी, तो ये पड़ी थी मुझे 41 रुपये, ठीक है ना, 41 रुपये की ये पड़ी 12th क्लास की, और ये कितने में पड़ी, 66 रुपये पड़ी, तो 65 की समानो ना, 60 और 40 लगभग आपको 100 रुपये मिल जाएगी, ये कितने में, 100 रुपये में पड़ जाएंगी दोनों की दोनों, मतलब 12th की एनसीईआरटी बायो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में, ठीक है नहीं, 100 रुपये में। अब 11th की बताओ, तो 11th की देखो जी, लेने की भी जरूरत ना, किसी अपने रिश्तेदार से देख लो, पैसे की भी तो समस्या होती है ना, तो किसी अपने पड़ोसी से पूछ लो, एनसीईआरटी है भाई किताब, एनसीईआरटी की होगी वरना ले लो यार, इतनी महंगी ना यार, लेनी बहुत जरूरी है ना, ये बायो की जरूर लेना, बायो की बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बायो की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो की जरूर लेना ना। देखो ये कितने में मिली है इनऑर्गेनिक की, ये 38 रुपये में पड़ी है मुझे, 38 रुपये, ठीक है, और ये कितने में पड़ी है, इतने देख लेते हैं, ये पड़ी है 57 रुपये, तो ये भी 100 रुपये में मिल जाएगी अपने, 100 रुपये में मतलब 200 रुपये में 11th और 12th की केमिस्ट्री मिल जाएगी 200 रुपये में, जी हाँ, फिजिक्स की तो कोई ज़रूरत नहीं है, देखो 200 रुपये में ये 200 रुपये में भाई 400 रुपये, और भाई यार 400 रुपये में पड़ रही है यार, बताओ बायो की भी और केमिस्ट्री की भी 400 रुपये में भाई, एनसीईआरटी इतनी सस्ती सस्ती है तो पड़ रही है इतनी महंगी, भाई बहुत महंगी किताब है यार, कुछ बंदों को तो महंगी भी लग रही होंगी, मगर भाई हमारे लिए महंगी है यार, देख लो भाई यार कैसी स्थिति है भाई, ऐसी स्थिति है भाई, ऐसा हमारा वो है स्टडी मटेरियल, लेकिन क्या है भाई, मजे में चिल में पढ़ेंगे भाई, ऐसे हाँ ये देख सकते हो ये ऊपर भाई पंखा है, तो भाई ठीक है ना, एनसीईआरटी के प्राइस भी बता दिए मैंने, कितने कितने रुपये में एनसीईआरटी पड़ेगी, और इसके भी प्राइस मैंने बता दिए हैं, ये ऑलरेडी मेरी ये वाली जो कॉपी है ना, मैंने PWC मंगाई है, तो ऑलरेडी ये तीन कॉपी है 270 रुपये में, लेकिन 350 में पड़ेगी, मैंने मंगाई थी ऑलरेडी, मेरे पास 4 हैं ऊपर रखी है स्लिप पे, तो मॉड्यूल भी बता दिए मैंने, अपनी नोट्स भी दिखा दी है ना,
एनसीईआरटी के प्राइस भी बता दिए अपना, एक मैंने वो वाला पेपर भी दिखा दिया नीट का, हिंदी मीडियम का 2023 का मैंने अपने मार्क्स बता दिए, 130 मार्क्स आए हैं, प्योर शुद्ध हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ मैं, मेहनत करेंगे तो हो जाएगा अपना काम, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एक बार में निकलेगा कोई नहीं, दो बार में निकलेगा कोई नहीं, लेकिन साला तीसरी चौथी बार में जो निकलेगा, मेहनत जारी रखिए ठीक है ना। और मेरे इस चैनल से जुड़िए, जुड़ जाइए, मैं बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके शेयर करता रहूँगा, सही है ना। तो मैं आपसे बता रहा हूँ, आप कोर्स परचेस कर लीजिए, कोई महंगा कोर्स नहीं है, PW पे हिंदी मीडियम का, भाई अभी तो ऑफर चला था 15 अगस्त पे, लगभग 2100-2200 रुपये मिल जाता, जिन्होंने ले लिया हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, जिसने ना लिया हो मेरे भाई ने ले लो, कमा लो, 7-8 दिन कमा लोगे तो खरीद लोगे बैच, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है भाई, ले लो यार, साथ में मिलेंगे, साथ में पढ़ेंगे, कनेक्ट हो जाना हमारे चैनल से, कमेंट करना जो बातें हैं मैं उनका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो भाई ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखो भाई फिजिक्स केमिस्ट्री तो प्योर करो भाई, 360 में से 360 ही लाने हैं, 10 कट गए कोई बात ना यार, 350 आ जाएंगे, लेकिन इस तरीके से करो, वो जूलॉजी बोर्ड नहीं हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री में करेंगे, बढ़िया करेंगे भाई, मजे में चिल में करो पढ़ाई, चिल में करो भाई, सब देखो सब दिखा दिया करो, नोट्स दिखा दी अपनी, ये वाली नोट्स दिखा दी, मॉड्यूल दिखा दिए, NCERT दिखा दी, तो बताओ और क्या जानना चाहते हो, तो मॉड्यूल कितने, मॉड्यूल मतलब कितने दिन में आ गए ये जानना चाहते हो, तो ये दिन मेरे आ गए थे 5-6 दिन में आ गए थे मेरे ये घर पे, मंगा लो यार भाई, मुझे पता है बहुतों के पास बैच खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मॉड्यूल के खरीदेंगे, लेकिन भाई जिनके पास पैसे हैं वो मॉड्यूल खरीद लेना, लेकिन जिनके पास मॉड्यूल ना है वो चाहते हैं भाई हमें भी आप मॉड्यूल वो दीजिए, तो भाई आप कमेंट करना, मैं एक अपने भाई से कह के कुछ बनवाऊँगा मैं, मगर आपके लिए मॉड्यूल कर दूँगा, ये सारे के सारे आपके लिए कर दूँगा मैं, सही है ना, आप कमेंट करना ठीक है। तो और बताओ आप क्या जानना चाहती हैं, नीट 2023 का पेपर कैसा रहा था, सही रहा था, वो बढ़िया रहा था, क्योंकि तैयारी नहीं थी भाई, 12th कर रहा था यार, 12th में मेरे पता कितने आए थे नंबर, 80% आए थे मेरे, फिजिक्स में मेरे 83 थे, केमिस्ट्री में 75 थे, बायो में 89 थे, और हिंदी में 87 थे, इंग्लिश में मेरे 67 थे, टोटल नंबर जोड़ोगे तो मेरे बैठेंगे 401 की परसेंटेज निकालोगे तो बैठेगी 80 से थोड़ा ऊपर बैठेगी, एक ही दो नंबर ज़्यादा है, कोई नहीं 80 है मेरी, 80% आई थी मेरी, हाँ 80 आई थी, और मैंने उसके रीसेंट देखो नंबर क्या है, 12th में नंबर आने से क्या है कुछ ना, सीखना बहुत ज़रूरी है, जितना आप सीखोगे वो आपके लिए ही बेटर रहेगा ना, सीखना वो जरूरी है, नंबर लाने से क्या है भाई कुछ ना, 11th में वो नंबर लाने की कोशिश मत करो ज़्यादा, मुझे इतने नंबर लाने नंबर आ जाएंगे भाई लास्ट के एक महीने ना, अच्छे से तैयारी कर दो, अच्छे से नंबर आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे नंबर, लेकिन भाई एक बात जरूरी आता है, तो सीखना बहुत जरूरी है सब्जेक्ट, अब देखो भाई ट्यूशन में रखा कुछ भी, कोचिंग में रखा कुछ भी, जैसी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है ना भाई, ऐसी कहीं भी नहीं है, एक बार याद रखना, बहुत ही कम दामों में और अच्छी क्वालिटी का बैच खरीदो, उससे पढ़ो, बहुत बच्चा ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहा है, उनसे निकलना बहुत ही ज़्यादा, वो पढ़ जाएगा भाई जो ना पढ़ेगा, जी हाँ मैं बता रहा हूँ अपनी
नीट का पेपर देने गया था मैं 2023 में, नंबर कितने हैं मेरे 130, कितने 130, 130 पे, मतलब मैं बताता हूँ कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, ये 21 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, कितने बच्चों ने दिया था 21 लाख, 130 नंबर आए थे, मैं जो आया हूँ 10.5 लाख बच्चों के पीछे आया, 10.5 लाख बच्चों के पीछे, मुझे आना है कितने में 50,000 रैंक के अंदर आना है, तब मेरा होगा सिलेक्शन, तब होगा मेरा सिलेक्शन, इससे बड़ा नहीं होना भाई मेरा सिलेक्शन। तो मैं 10.5 लाख बच्चों के पीछे आया हूँ और 10.5 लाख बच्चों से आ गया हूँ 130 नंबरों पर। तो भाई देख लो भाई, इतने जनों से फाइट करनी है 10.5 लाख से, इतना पढ़ना पड़ेगा भाई, 600 तक तो कहानी पहुँचानी पड़ेगी तभी होगा काम, नहीं तो इससे बड़ा नहीं हो सकता भाई अपना काम, ठीक है ना, होने पड़ेगा। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं 28 से करूँगा अपना बॉय प्लान, और आपको भी बताना बहुत ज़रूरी है ना हमारे हिंदी मीडियम भाइयों को, हिंदी मीडियम भाइयों और बहनों को, सही है ना, क्योंकि यार बहुत भाई अपन हिंदी मीडियम के यार क्या दिक्कत है, पढ़ो यार, मुझे लोग गरीब घर के होते हैं हिंदी मीडियम के, कुछ अमीर घर के होते हैं, लेकिन क्या है भाई, क्या है करेंगे मेहनत हो जाएगा अपना, ठीक है बताओ और क्या जानना चाहते हो यार, भूख लगने लगी यार अब, भूख लगने लगी। तो भाई जो बंदे यार आम है नए वो जुड़ जाओ यार, है ना, आपने ऐसे ही बातें करते नहीं है मजे मजे की, पढ़ाई से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो चलो अपना आई एंडी करते हैं, सब कुछ तो देख लिया होगा जान लिया होगा, चलो जय हिंद जय भारत, थैंक यू गाइस, तैयारी करते रहो, ओके वैश, गुड लक।